घर घर द्वार फिरे माया के, 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 पूरा गुरु नहीं पाया, पूरा गुरु नहीं पाया, सबसे लालच का मत खोना, 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 जो मांगे कछु नहीं पावे, अन मांगे हरि देता, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, अन मांगे हरि देता, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, अन मांगे हरि देता, जो मांगे सो कछु नहीं पावे, अन मांगे हरि देता, कामलोक निष्काम भजेंगे, कामलोक निष्काम भजेंगे, कामलोक निष्काम भजेंगे, निष्काम भजेंगे, तिन आपुन करि देता, करी देता, सबसे लालच का मत खोना, सबसे लालच का मत खोना, सबसे लालच का मत खोना, सबसे लालच का मत। पीपा जी के चित्त में उस धन का तनिक भी लोभ नहीं आया। आपने दे दिया गुजरी को, बोले मेरे वचन की रक्षा कर। आ बेचारी गुजरी डरती डरती थाल लेके गई। जैसे घर पहुंची, उसके पति ने देखा, पुत्रों ने देखा, सास ससुर ने देखा, सब आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो परम दरिद्र थे, गरीब थे, उनके घर में धन था ही नहीं। और ये गुजरी संत सेवा में इसकी रुचि थी। ये नजर बचा के दूध दही की सेवा पीपा जी के यहाँ चाय जब करके आती थी, और जब करके आती तो घर में न जाने कितने दिनों तक क्लेश और कलह मचा रहता, और खिलाले ठल्ले बाबाजियों को, खुद तो उन पे कोई काम धंधा होता नहीं, ये मुफतखोर बाबाजियों को तू खिलाती है। ओ महाराज, उसको बहुत संकट का सामना करना पड़ता था। पर आज वह लेकर गई, रोते रोते उसने सारी बात बताई। अब तो वे सब रोने लग गए, बोले आ हा हा हा, अब तक हम संतों से विमुख रहे, पीपाजी से विमुख रहे, हम लोगों को परिचय ही प्राप्त नहीं हुआ कि संत कैसे होते हैं। हृदय भराया है। वो गुजर भले ही वह सत्संगी नहीं था, पर वस्तुतः उसका हृदय आज खुल गया, उसकी हृदय की आंखें खुल गईं, और सपरिवार सास ससुर जेठ देवर पति पुत्र कुटुंब खानदान नाती बेटा सहित सबने जाकर पीपा जी के यहाँ वैष्णवी दीक्षा ग्रहण कर ली, कंठी उर्व पुंड्र ले लिया, सब शिष्य हो गए पीपा जी के। और उस सारे के सारे धन को उन्होंने संत सेवा में खर्च कर दिया। उन्होंने उसमें से इतना भी बचाकर नहीं रखा, पर गुजरी को धन दियो। महाराज जी कहते थे, भगवान संकल्प कर लें कि सुदामा जी को धन मिल जाए तो द्वारिका प्रकट हो जाती है। भगवान संकल्प कर लें कि विभीषण राजा बन जाए तो विभीषण लंकाधिपति हो जाते हैं। तो भक्त और भगवान में भेद नहीं है। तो पीपा जी ने आज संकल्प कर लिया कि जो कुछ धन है वो गुजरी को मिल जाए। तो आज पीपा जी की कृपा से उस गुजरी की दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए, जिन पूज्य श्री भाई जी के पावन उत्सव को हम लोग मना रहे हैं, उन भाई जी के भी जीवन के कतिपय प्रसंग ऐसे हैं जहां अतिशय दरिद्र और दुखियों की व्यथा पर द्रवित होकर के भाई जी ने कृपा की और उन दरिद्रों को भी श्रीमंत बना दिया। ऐसे प्रसंग हैं कि नहीं, बाबा के भी और पूज्य श्री बाबू जी के भी। ऐसे अनेकों प्रश्न। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गुजरी को धन दियो पियो दही संतन ने, एक चरित्र हो गया। दूसरा चरित्र, ब्राह्मण को भक्त कियो देवी दी निकारी के। एक ब्राह्मण बड़ा भारी देवी जी का भक्त था। उसने महाराज देवी जी का महोत्सव किया, बड़ा भारी भंडारा महोत्सव किया, पूरे गांव को निमंत्रण दिया, कई गांवों को न्योता दिया, सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया, किंतु श्री पीपा जी महाराज ने इनकार कर दिया। बोले नहीं नहीं, हम भोज भंडारे बड़े आयोजनों में हम नहीं जाते, यहीं ठाकुर जी का भोग लगेगा, संत पाएंगे, हम नहीं जाएंगे। पर भला उस ब्राह्मण को यह मंजूर कहा? वो ब्राह्मण तो पीपा जी के पास गया और बस वहां रोने लग गया, गिड़गड़ाने लग गया। बोले महाराज मैं तो प्राण दे दूंगा, आपको चलना पड़ेगा, आपके बिना हमारा भंडारा ही सफल नहीं होगा, आपको तो चलना पड़ेगा। पीपा जी ने कहा ठाकुर जी को छोड़ के कहां जाए? बोले आपको अकेले थोड़ी चलना है, गाजे बाजे से ठाकुर जी पालकी सहित पधारेंगे, संतों की जमात पधारेगी, संतों की पधरावनी होगी, और महाराज भोग तो आपको ही लगाना है। पीपा जी ने स्वीकार कर लिया। चलो, अब तो महाराज बड़े जोर शोर से ठाकुर जी का डोला सजा और संत कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के साथ चल रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 सीता सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। ओ महाराज, सैकड़ों साधु कीर्तन कर रहे हैं। पीपा जी महाराज की पधरावनी भाई, ब्राह्मणों ने बड़ी पवित्रता से रसोई बनाई थी। पीपा जी का ठाकुर डोला रामलला सरकार देवी जी के मढ़ में ही आकर विराजमान हो गए। सुंदर चौकी लग गई, लाल जी, शालिग्राम जी, हनुमान जी विराज गए। ब्राह्मण कह के आया था महाराज भोग आपको ही लगाना है। पीपा जी ने भोग सामग्री में तुलसी जल पधराया, गरुड़ घंटी बजाई, अर्घा का जल छीट करके जैसे जलबंद किया, भोग लगाया प्रेम से श्री रघुनाथ जी को। भोग लगाओ, भंडारा हुआ, कोई कमी नहीं पड़ी, चकाचक जय जयकार, खूब भंडारा हुआ। पर विचित्र स्थिति हो गई। रात को सबको खिलाने पिलाने के बाद पीपा जी को वहीं रोक लिया। बोले महाराज 2-3 दिन कथा सत्संग करके आपको जाना है। रात को ब्राह्मण सोया, बड़ा प्रसन्न हुआ, आज श्री पीपा जी की कृपा से हमारा भंडारा सफल हो गया। पर रात को जब ब्राह्मण सोया तो स्वप्न में देवी जी ने दर्शन दिया और दर्शन देकर कहा कि अरे ब्राह्मण, तूने इतना बड़ा भंडारा किया पर मैं तो भूखी रह गई। अरे आप भूखी कैसे रह गई? बोले तुमने पीपा जी को बुला लिया और उनके ठाकुर जी आ गए और उन्होंने तुलसी दल छोड़ दिया। तुलसी दल पधरते ही वह भगवान के अधिकार में चला जाता है। और जैसे ही उन्होंने आचमन करा के अर्घा का जल छोड़ा, हनुमान जी महाराज गदा लेकर सुरक्षा में हो गए। जब तक सरकार खूब प्रेम से आरोग न ले तब तक इसमें से कोई देवी देवता उठा के नहीं ले जा सकता। सबको भगवत प्रसाद मिलेगा, अमनिया किसी को नहीं मिलेगा। अब महाराज पहले तो राम जी ने पाया, फिर हनुमान जी ने पाया, पार्षदों ने पाया और इसके बाद तीनों लोकों में बटा। तो जैसे हमारा उत्सव था, हमारा यज्ञ था, प्रधान रूप से भोग हमको लगना चाहिए था, तो हमको तो प्रधान रूप से कुछ मिला नहीं। अब सबका बचा खुचा हमको मिला, इसलिए मैं तो भूखी रह गई। जिसमें पिताजी ने भोग लगाया तो भगवान के पार्षद हनुमान जी, विश्वक्सेन आदि ने कहा कि तुम बाहर मंदिर से खड़ी हो जाओ। मैंने पूछा कि क्यों खड़ी हो जाऊं? बोले इसलिए कि ये वैष्णव पद्धति की सेवा पूजा है। तुमको लोग मध्य मांस का भी भोग लगा देते हैं, बकरा भी काट देते हैं, इसका मतलब है तुम्हारा आहार विहार शुद्ध नहीं है। वैष्णवी बन जाओ तो भले यहाँ खड़ी रह सकती हो, बिना कंठी और बिना तिलक वाले को यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, आप कृपा करके बाहर हो जाएं। तो देवी दी निकारी के हमको तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ा। अरे तुमको पीपा जी को पधराना था तो और कहीं पधरा देते, हमारी मंदिर में उनके ठाकुर जी क्यों पधरा दिए? अब तक मैं उनके भय से कांप रही हूँ। कह के देवी अंतर्धान। देखो यह भी देवी जी की लीला ही थी। लोग कहीं लीला होती, लीला इसलिए थी कि देवी जी आज हृदय से प्रसन्न हैं। वे चाहती हैं कि अब तक तो ये ब्राह्मण जीवन भर मेरा भक्त रहा, संपुटित सैकड़ों दुर्गा सप्तशती के पाठ इसने किए, लेकिन अब सब समस्त उपासनाओं की पूर्णता तो भगवान की उपासना में है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णो आराधनम परम, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। वैष्णु भगवत आराधन सबसे श्रेष्ठ है। अब तो ब्राह्मण मन में सोचने लग गया। बोले बताओ अब भला देवी जी से कहा महाराज हम क्या करें? देवी जी ने कहा कि तुम तो एक तरफ हो जाओ, या तो हमारी तरफ रहो या पीपा जी के ही तरफ हो जाओ। ब्राह्मण की आंख खुल गई, ब्राह्मण सोचने लग गया भैया पीपा जी की तरफ होने में फायदा ज्यादा है, क्योंकि जब भगवान के पार्षद इतने जबरदस्त सिद्ध हो जाते हैं कि हमारी इष्ट देवता को ही कह देते कि तुम्हारे यहाँ गड़बड़ सड़बड़ भोग लगता, तुम बाहर भगो, ये इस पर तो हमारे राम जी का अधिकार है। इसलिए अब राम जी की शरण में जाने में ही भलाई है। वो ब्राह्मण आया, बोला महाराज बहुत बड़ी कृपा भाई, आज रात को तो हमारे ऊपर कृपा हो गई। अब ऐसा करो, हमको सपरिवार आप वैष्णवी दीक्षा प्रदान करो। श्री पीपा जी महाराज ने समस्त ब्राह्मण परिवार को भगवत शरणापन्न करके उसे कृतार्थ कर दिया। बोलो श्री पीपा जी महाराज की। और इतना ही नहीं, यह समाचार कई गांवों में फैल गया और महाराज सब लोग स्वीकार कर लिए वैष्णवता को। और इतना ही नहीं, भगवती जो देवी जी थी, उन देवी जी ने भी पीपा जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया और घोषणा कर दी, ओझा के सिर पे आकर घोषणा कर दी, मैंने अब पीपा जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, मैं वैष्णवी हो चुकी हूँ, इसलिए अब कोई भी मेरे मढ़ पर मध्य मांस का भोग लगाएगा, प्रयोग करेगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगी। अब तो सबने कहा जब देवी जी ही पीपा जी के शरणापन्न हो गई तो अब कौन ऐसा है जो पीपा जी के शरणापन्न हो जाए। तात्पर्य कहने का केवल इतना ही है, संतों की महिमा बड़ी विलक्षण होती है, भगवान की महिमा। जहाँ भगवान नतमस्तक हो जाते हैं भक्तों की भक्ति पर, तब दूसरे कोई देवी देवता नतमस्तक हो जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक चरित्र और कह करके हम कथा को संपन्न करेंगे। एक दिन एक रूपवती तेलिन तेली को जिवायो, एक चरित्र हो गया। तेली को जिवायो, दो चरित्र कहे जा चुके हैं। गुजरी को धन दियो देवी दी निकारी के, तीसरा चरित्र तेली को जिवायो। एक तेलिन बहुत रूपवती थी और वो तेल बेच रही थी। तेल लेवरी तेल, तेल लेवरी तेल, तेल लेवरी तेल। प्रातः काल उठ करके तेल शब्द का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। तेल दो ऐसा, तेल लो और तेल दो ऐसा सवेरे सवेरे उठ के नहीं कहना चाहिए। साधुओं की भाषा में तेल को शनिचरा कहते हैं। तो महात्माओं में तो संकेत में मांग लेते हैं, तेल शब्द नहीं कहते। वो दे दो, वो दे दो, तेल दे दो नहीं कहेंगे, वो दे दो, वो दे दो। सवेरे सवेरे तेल नहीं कहेंगे। अब वो सवेरे से ही भोर में तेल लेवरी तेल। पीपा जी माला फेर रहे थे, सीताराम सीताराम। पीपा जी का हृदय भराया। ठीक है, बेचारी धंधा कर रही है, पर बीच में दो चार बार सीताराम राधे श्याम भी बोल दिया करे तो कम से कम इसका भजन तो बन जाएगा। बड़े प्रेम से उसको बुलाया, कहा मैया श्री रघुनाथ जी ने तो को बड़ो सुंदर स्वरूप दियो है, कितनो सुंदर तेरो रूप है और कितनी प्यारी तेरी वाणी है, पर तू बोल कहा रही है तेल तेल। ठीक है, ये तो तेरे धंधे की बात है, पर कभी कभी बीच में सीताराम तेल लेवरी तेल, सीताराम तेल लेवरी तेल, राधे श्याम तेल, इतना कह दिया करो। इतना सुनते ही वो जल भुन गई और बोली अरे मुंह जले। पीपा जी से बोली सीताराम राधे श्याम तो विधवा बोलती हैं, मैं तो सधवा हूं, मैं भला सीताराम राधे श्याम क्यों बोलूं। ये तिलक लगाना, तुलसी बांधना, सीताराम राधे श्याम बोलना, ये विधवाओं का काम है। मैं तो सौभाग्यवती नारी हूं। और जब कोई मर जाता है तो शमशान घाट पर लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। या तो मृद घाट पर लिया जाता या विधवा लेती। ना तो मैं मृद घाट पर जा रही हूँ, ना मैं स्मशान में जा रही हूँ, और ना मैं विधवा हूँ, तो मैं सीताराम सीताराम क्यों जपूं। और न जाने उसने क्या क्या ऊट पटांग बातें पीपा जी को सुना दी। तो पीपा जी ऐसे हंस रहे थे उसकी बातों को सुन के, जैसे मानो वो बढ़िया बढ़िया लच्छेदार भाषा में पीपा जी की स्तुति कर रही है। बहुत खुश हो रहे थे। वाह देवी, आपने बड़ा सुंदर उपदेश हमें प्रदान किया। ठीक है, आप राम राम करें तो इसी में आपकी भलाई है। वो जैसे ही महाराज लौट के घर गई तो महाराज विचित्र बात हो गई। जैसे वो घर पहुंचे, उसका पति बाहर से कहीं से काम धंधा करके लौटा, और वो जैसे ही चला, पुराने जमाने में लोगों के घरों में मकान के दरवाजे छोटे होते, देखा होगा छोटे दरवाजे। वो पता नहीं किस आवेग में था वो तेली, जैसे घुसा तो सिर झुकाना भूल गया। जोर से खोपड़ा उसका लगा चौखट में, नाक और मुंह सब टूट गया, वहीं नीचे होके गिर गया। जब तक लोगों को इकट्ठा किया तब तक तो उसके प्राणांत हो गए, मर गया, वो विधवा हो गई। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। पीपा जी को गाली गलौज करके आई थी ना, तुरंत उसका पति मर गया। अब जब पति मर गया तो अब वो विलाप करने, हाय राम मैं विधवा हो गई, हाय राम मैं मर, अब राम राम करने लग गई। अब तो उसके पति को स्मशान ले जाया जा रहा था और वो ही पीछे पीछे रोती रोती चल रही थी। और वो बार बार कह रही थी अरे मेरा पति तो जवान, मैं भी जवान, छोटे छोटे बच्चे, हाय मैं किसके सहारे जीऊंगी। अरे वो बाबा रहता है ना पीपा जी, वो बाबा जी के कहने से मेरा पति मर गया, बाबा जी के श्राप से मेरा पति मर गया, हाय हाय मैं तो मर गई, लुट गई। लोगों ने कहा अच्छा अरे तूने कुछ कह दिया होगा। बोले हाँ, वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा अरे अपराध लग गया, वे तो सिद्ध संत हैं, चलो। अब तो महाराज वो पूरा उसका तेली का परिवार वो मुर्दा लाके पीपा जी के स्थान में धर दिया। अब तक तो गाली दे रही थी, अब माथा पटक रही थी पीपा जी के चरणों में, बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो, मेरा सुहाग क्यों छीन लिया। पीपा जी बोले, देवी मैं सत्य कहता हूँ, कभी मैं स्वप्न में भी असत्य का आश्रय नहीं लेता। देवी मैं तो विश्व कल्याण की कामना से भावित होकर के भगवान की उपासना में प्रवृत्त हूँ। मैंने कोई श्राप नहीं दिया कि जो तेरा पति मर जाए, मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी तू तेरा पति चला जाए, तू विधवा हो जाए। ये तो संसार है, इतनी ही आयु लेकर तेरा पति आया था, मौत कोई न कोई बहाना खोजती है, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं। अब ये मर गया तो मैं क्या करूं, ले जाओ उसको। पर वो तो माने नहीं, कहा महाराज मैं नहीं ले जाऊंगी, आपको तो जिलाना पड़ेगा, आपके कहने से ही हमारा पति मरा। पीपा जी बोले, साधो बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव। सबको उपदेश दे रहे हैं, ये मुर्दों का गांव है। बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव। हाँ जग में कोई स्थिर न रह पाया, जग में कोई स्थिर न रह पाया, जग में कोई स्थिर न रह पाया, जग में कोई स्थिर न रह पाया। जिसका दरिया नाम, जिसका दरिया नाम, बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव। हाँ पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी, पीर मुए पैगंबर मुए, मुए जिंद मुए जोगी। राजा मरे प्रजाऊ मरी है, राजा मरे प्रजाऊ मरी है, राजा मरे प्रजाऊ मरी है, राजा मरे प्रजाऊ मरी है। मुए वैद्य मुए रोगी, मुए वैद्य मुए रोगी। बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव। हाँ 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए 788। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, मर गए 688। 33 कोटि चौधरी मर गए, 33 कोटि चौधरी मर गए। 33 कोटि चौधरी जिनकी चौधराहट सब दुनिया पे चलती, 33 करोड़ देवता। हाँ 33 कोटि चौधरी मर गए, 33 कोटि चौधरी मर गए। मरी काल की बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव। हाँ सूरज मरे चांद हु मरी है, मरी है धरणी आकाशा। सूरज मरे चांद हु मरी है, मरी है धरणी आकाशा। 14 भुवन जलावन हुई है, 14 भुवन जलावन हुई है, 14 भुवन जलावन हुई है, 14 भुवन जलावन हुई है। इनकी झूठी आशा, इनकी झूठी आशा। बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव, बाबा यह मुर्दहु का गाँव। ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाये। ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाये। ज्योति स्वरूप राम एक थिर हैं, जिन यह सृष्टि उपाई ज्योति स्वरूप राम एक तिल है जिन यह सृष्टि उपाई कहत मनुख साधु को सत्ता को काल न खाई हाँ सत्ता को काल न खाई हाँ कहत मनुख साधु को सर्वसत्ता को काल न खाई मनुख साधु सर्वसत्ता को काल न खाए बाबा यह मुर्दऊ का गाँव बाबा यह मुर्दऊ का गाँव हाँ जग में कोई थिर न रह पाया जग में कोई थिर न पाया जिसका धरिया बाबा यह मुर्दहू का गाँव बाबा ये मुर्दों का गाँव है काय को रो रही है भाई। बोली महाराज मैं तो मर जाऊंगी, पूरे परिवार के सहित हमारे पति को जिलाओ। पीपा जी ने कहा देवी तुम ही तो कह रही थी कि विधवा राम राम करती हैं। बोले नहीं नहीं अब पति को जिला दो तो सधवा होके राम राम करूंगी, तिलक लगाऊंगी, तुलसी बांधूंगी, खूब संत सेवा करूंगी, आप कृपा करो। पीपा जी बोले ठीक है जब ऐसी बात है ऐसे अभी कबूल नहीं होगी, पूरा तुम्हारा कुल खानदान तेलियों का सब निश्चय करे राम राम तेल्यो रे तेल राम राम तेल्यो रे तेल ऐसा कह के तेल बेचे और पूरा खानदान वैष्णव हो जाए, सब कीर्तन रोज करें, भजन रोज करें, सत्संग करें तो इसको जिला सकते हैं। अब महाराज पूरे तेली समाज का मुखिया वही था, सब लोग बोले हाँ महाराज ये जी जाए तो हम फिर भजन करेंगे। पीपा जी महाराज ने तुरंत भगवत चरणामृत लेकर उसके ऊपर छोड़ा काल मृत्यु हरणम सर्व व्याज विनाशनम विष्णोः पादोद्गम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसी चरणामृत छोड़ा वो तेली महाराज जिसको चोट लगी थी चोट घाव कुछ नहीं रह गया, वो कीर्तन करते हुए उठकर बैठ गया। अब तो सबने पीपा जी की जय जयकार करी, बोलो श्री पीपा जी महाराज की। और तेली भगवान नाम का उपदेश ग्रहण करके विरक्त हो गया। तेली के सारे घर के लोग भक्त भगवान के हो गए। सुनने में आता है कि आज भी उधर झालावाड़ निमाना क्षेत्र वो जो कौन सा हाड़ौती क्षेत्र के तेली आज भी राम राम, अब तो कोल्हू और तेल खत्म हो गए लेकिन आज भी लोगों से सुना जाता उस परंपरा के तेली आज भी राम राम तेल्यो रे तेल राम राम तेल्यो रे तेल आज भी ऐसा कहते सुनाई पड़ते हैं। ऐसी विचित्र विचित्र श्री पीपा जी के चरित्र हैं, बोलो श्री पीपा जी महाराज की जय। एक भैंस का चरित्र कह दें क्यों चरित्र बहुत ज्यादा है, बहुत छोटा सा चरित्र है। हाँ ठीक है वो केवल 5 मिनट में हाँ? 2 मिनट में भैंस वाला चरित्र हो कह दें क्योंकि 12 है तो कम से कम 12 में 4 चरित्र तो हो जाएं। एक भगत ग्वाल भगत वो पीपा जी का चेला बन गया। पीपा जी के यहाँ ऐसा हुआ कि कुछ दूध दही की कुछ जरूरत तो पड़ती रहती, संत भगवान आते रहते थे। एक ग्वाल भगत आया वो बढ़िया दूध की भैंस भेंट कर गया, खूब दूध देती थी, हमारा नाद भर दूध देती